Hello students, today we are going to learn our next chapter, chapter number 2, linear equations in one variable. Linear equations in one variable. So let's take exercise number 2.1. So let's write down. First question is x minus 2 is equal to 7. First question is x minus 2 is equal to 7. So first of all, we have to remember this, we are not going to write is equal to here, we will write therefore here. We will write therefore. How do we write therefore? So this way, three dots, right? So we will, as it is, we will write x will be here, same minus also here, 2 also here. After that, what will be the opposite? That means एडिटिव इनवर्स. हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया है कि माइनस टू जो है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो प्लस टू होगा. क्या होगा? प्लस टू. सो वी विल राइट हियर प्लस टू. आफ्टर दैट द सेम नंबर, दिस नंबर जो ये जो नंबर हमने यहां पे लिखा है वही नंबर हम यहां पे भी लिखेंगे, प्लस टू. ओके, Now you know that keep minus 2 and plus 2 both are together will be cut each other. So यहां पे क्या बचेगा? x बचेगा is equal to 7 plus 2 कितना होगा? तो 9. So finally you got your answer 9. Another method is to understand. कि सपोज यहां पे ये प्लस टू नहीं लिख रहे हैं, तो यहां पे सपोज आपका क्वेश्चन है माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, तो ये जो माइनस टू है उसको जब इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाओगे, तो ये जो 7 तो वैसा ही रहेगा, पर ये जो माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा और 2 यहां पे रहेगा. तो फाइनली यू विल गेट द 9 आंसर. ये भी आपको पता है बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 7, राइट? लीनियर इक्वेशन ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो लेसन नंबर स्टैंडर्ड 7 में, राइट? सो यू विल जस्ट मेमोराइज, रिमेंबर दिस. आफ्टर दैट let's see according to your textbook, let's see this answer as well, y plus 3. अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 3 होगा. सिमिलरली जो हमने यहां पे लिखा, ये नंबर जो यहां पे लिखा है वही नंबर यहां पे भी लिखेंगे, यानी कि यहां पे भी हमने माइनस 3 लिख दिया. नाउ y इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर कट हो जाएंगे, तो बचा क्या? 10 माइनस 3. देयरफॉर योर आंसर इज y इज इक्वल टू 7. दिस इज योर आंसर. ओके, सो आंसर, ऑलराइट.